नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। देश दुनिया में रावण दहन दशहरे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और असत्य पर सत्य की जीत है के कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में लोग सड़ोया शहर पहुंचे हुए थे, क्योंकि सड़ोया शहर में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला प्रबंधन समिति द्वारा दशहरा उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संजय कुमार मल्होत्रा ने बताया कि सभी बाजारों में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, हनुमान की झांकियां निकाली गई। बाद में मंच पर रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया, जिसके बाद गायक पवन मालेवालिया ने धार्मिक कार्यक्रम पेश किया। प्रमुख ठेकेदार अशोक कुमार बाट करीमपुर चाय वाला सहित अन्य कुलविंदर सिंह मिलू, सुखदेव कुमार ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को आग लगाई। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और उनके साथ उनके दोनों भाइयों का भी वध किया था, इसलिए दशहरे को भारत वर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। बलाचौर से पंजाब टीवी प्राइम के लिए हरमेल सहुंगड़ा की रिपोर्ट। जोरदार।